हाय, मैं हूँ जोया खान और आप मुझे देख रहे हैं भोजपुरी बातें पे। मनोज द्विवेदी नमस्कार, मैं हूँ अंजलि बैनर्जी और नए साल 2020 की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। मनोज जी, जानना चाहूंगा इस प्रोजेक्ट के बारे में कि आप क्या प्रोजेक्ट है, कास्ट के बारे में बताइए और कितने उत्साहित हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर आप। जी, उत्साह तो बहुत है और नए साल में इतना उत्साह दिया है इस साल ने इस फिल्म के माध्यम से कि बता नहीं सकते। 40-42 फिल्में आप लोग देख चुके हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये फिल्म मेरी ज़िंदगी का, मेरे लाइफ की सबसे बेहतरीन फिल्म है आँख मिचोली। और इसमें काम करके डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ हम लोग इतने खुश हैं कि नए साल का इससे खूबसूरत तोहफा शायद आगे मिले लेकिन अभी तक नहीं मिला है। तो कहानी की पिछले बताइए कि क्या कहानी है, किस जॉनर में है, कॉमेडी है, रोमांटिक है, क्या है फिल्म की? ये फिल्म एक सोशल मैसेज है, दोस्तों की कहानी है और कॉमेडी से भरपूर है। और कॉमेडी तो ऐसा आप लोगों को हिंदी में एकाध जगह मिला होगा एकाध पार्ट, लेकिन भोजपुरी में हमें लगता है कि पहली बार देखने को मिला। और हमारे मनोज द्विवेदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कितना फालतू इंसान है, मतलब अच्छा। पहले तो फिल्म के बारे में बोलना चाहूँगी, जो हमारी फिल्म है बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और बहुत ही अच्छा, मतलब एक हमारा यूनिट है, बहुत अच्छी टीम रही है। मनोज द्विवेदी जी मेरे को एक्टर रह चुके हैं इस फिल्म में और भी हमने कई फिल्में साथ में की है और आगे भी आई विश करने वाले हैं। तो फिल्म जो है बहुत प्यारा है। मैं जो है इसमें राधा का रोल कर रही हूँ जो आकाश जी के अपोजिट मैं कर रही हूँ। और राधा जो है एक बहुत ही मतलब सीधी साधी लड़की है और कुछ आता है ट्विस्ट जिसकी वजह से थोड़ा उसे चेंज होना पड़ता है। बहुत अच्छी जर्नी है मेरी इस फिल्म में और कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है और बहुत अच्छा लगा मुझे यूनिट के साथ काम करके। मेरे जो डायरेक्टर हैं उनका नाम NR घिमिरे हैं, वो नेपाल से हैं। हमने जो है मैक्सिमम शूट UP में किया है, उत्तर प्रदेश में किया है, गोरखपुर में शूट किया है, कुशीनगर पडरौना में। और प्रोड्यूसर जो है हमारे राकेश जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और शूटिंग हम लोग ने बहुत ही अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से शूट किया है और बहुत ही बेहतरीन हमने शूट किया है। मनोज जी, डायरेक्टर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? डायरेक्टर NR घिमिरे बहुत ही कमाल के डायरेक्टर हैं और कमाल के कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। और ऐसा कॉन्सेप्ट मतलब वो भोजपुरी में लेके आए हैं कि एक अलग मुकाम बनाएंगे। हाँ, बहुत साफ सुथरी मूवी है और आपको इसमें कोई बलगट्टी और कोई भी चीपपन कॉमेडी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी कॉमेडी है वो सिचुएशनल है और हमारे दिल के, हमारे आसपास के करीब का है। मैंने गाना आपका देखा, कितने डिग्री में शूट किया आपने? बाप रे बाप, -3 डिग्री में हम लोगों ने नेपाल में चीन बॉर्डर पे हिमालय की गोद में शूट किया और बहुत ठंड थी। बाकी क्रू मेंबर तो हमारे स्वेटर, साल और जैकेट में थे लेकिन जब हम लोग निकालते थे, भैया पूछो मत इसको, तो मैं मतलब दिल से ऐसा लगता था कि मारे कट्टा और छिटक जाए अनार घूम रहे। लेकिन गाना अच्छा हुआ, ये इस बात की बहुत खुशी है। अनिल जी, आप भी ठंडी में थे? नहीं, मेरा शूट वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। मैं नेपाल जाना चाहती थी पर नहीं, नहीं, ये इनको बहुत जल्दी थी, इनकी डेट की प्रॉब्लम थी तो इनका कारण हम लोग ने कुशीनगर में निपटा लिया और ये थोड़ा सा बच गई नेपाल की ठंडी से। पर हाँ, अगली बार मैं जरूर नेपाल जाना चाहूंगी और गाना शूट करना चाहूंगी। हम लोग बहुत जल्दी जा रहे हैं। मनोज जी, आकाश जी फिल्म के एक्टर हैं, उनको कहेंगे? आकाश बहुत ही अच्छे और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छे इंसान हैं। और कोई भी ईगो, कोई भी हम लोगों के बीच में है तमाम फिल्मों में, ईगो नहीं था। हाँ, नहीं था, काम को लेके सब अपने अपना रोल अच्छे से निभा गए, बाकी तो जो चीजें हैं वो अच्छा। रियल लाइफ में अंजलि सब झगड़ा करना चाहते, प्यार करना चाहते? मैं बहुत प्यार करता हूँ अंजलि से और ये प्यार इनकी फिल्म में दिखेगी। अच्छा। और कमाल की काम किया है इन्होंने और नए साल में किसी से भी आप झगड़ा ना करिए, जितना हो सके प्यार बांटिए। मैंने एक बात बोला, रियल लाइफ या फिल्म लाइफ में? दोनों लाइफ में। रियल में भी अच्छे नहीं रहेंगे तो पदे पे आप लोगों को क्या अच्छा दिखाएंगे? सबको एक रेजोल्यूशन बना के चला जाए कि हमें ये चीजें नहीं करनी है, ये चीजें करनी है। तो मेरी भी कुछ चीजें हैं जो मैंने सोचा है, बताऊंगी नहीं, बट इन फ्यूचर देखिए। मतलब प्यार करना मनोज द्विवेदी से आपको? जरूर करना है, आपसे भी करते हैं। मनोज जी बहुत अच्छे एक्टर है तो एज एन एक्टर ऑब्वियसली मैं पसंद करती हूँ एज एन एक्टर। कैसा लगा लोकेशन आप दोनों को वहाँ का? कहाँ का? गोरखपुर का। बहुत प्यारा लोकेशन है और पब्लिक ने बहुत सपोर्ट किया है हमें, किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं हुआ है। छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो आती रहती है बट कोई ऐसा मेजर कुछ इश्यू नहीं हुआ है, बहुत अच्छे से हमने शूट। योगी गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे? हमारी बहुत अच्छी गवर्नमेंट चल रही है, योगी जी काफ़ी फिल्मों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं और हम लोग वहाँ के हैं, UP से बिलोंग करते हैं तो उम्मीद करते हैं। और मैं गोरखपुर कुशीनगर जहाँ पे शूटिंग हुआ वहीं का लड़का हूँ और योगी जी से पूरे उम्मीद है कि हमारी फिल्म को भी पसंद करेंगे और हम लोगों को भी प्यार देंगे। आँख मिचौली क्या, कुछ आँख मिचौली होने वाली है? टाइटल पे
बिल्कुल प्रॉपर है, जो हमारा जो रोल है ना और जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग आँख मिचौली बिल्कुल सूट करती है टाइटल। तो कहीं से भी दो राय नहीं है कि आँख मिचौली फिल्म का नाम है और कंटेंट कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल आँख मिचौली आपको देखने की मिलेगी इस फिल्म। अब पहली बार हम ये बताएं कि हमारा हीरो हीरोइन तो सब ही हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा कॉन्सेप्ट आँख मिचौली ही मेरे फिल्म का हीरो हीरोइन बहुत प्यारा, और हर कैरेक्टर कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आँख मिचौली कर रहा है। मनोज जी लास्ट क्वेश्चन, खेसारी लाल रितेश पांडे आजकल बहुत ज्यादा बवाल चल रहा है यूट्यूब पर, आप क्या कहेंगे उस पर? भैया ये दोनों सिंगर हैं, अच्छे सिंगर हैं और दोनों को अपनी सेंस है, अपनी सोच है, और एक्चुअल क्या मामला है हम उसको नहीं जानते। नाम लेके बताइए। खेसारी जी भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, हमारे साथ हम लोगों ने काम किया है, रितेश जी के साथ तो काम नहीं किया है, लेकिन अभी हम भी देख रहे हैं एक गाने पे दोनों टिकटॉक पे और हर जगह छाए हुए हैं। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को एक गाने। क्या इस तरह से बवाल होना चाहिए दोनों के बीच में? नहीं, बवाल नहीं होना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए कौन पहले है कौन बाद में है, फिर निपटा लेना चाहिए। तो आप भी सिंगर हैं, अगर आप पहले गाना गा दें उसी गाना को अगर मैं गा दूं, नहीं ये गलत है, लेकिन हो सकता है जानकारी हो या ना हो, उन लोगों को आपस में सट आउट करना चाहिए। आपस में खेसारी और रितेश से क्या खास करके आप कहना चाहेंगे? वो लोगों को दोनों को देख लेना चाहिए, गाना किसका है, अधिकार किसका है, जो भी काम हो अधिकार के साथ। आपने गाना सुना है? मैं एक जगह टिकटॉक पे कहीं सुना, लखनऊ लहंगाऊगा क्या है, झलकौआ लहंगाऊगा कुछ है, लेकिन मुझे अभी प्रॉपर याद नहीं। इस तरह कोई आपका भी गाना है जो हम लोग बताना चाहते हैं? नहीं, मेरी इस फिल्म का गाना बड़ा खूबसूरत है, और हमने हाँ एक और न्यूज दूं कि 2020 से हमारे अंदर भी जो खुराफात थे कलम चलाने की, वो हमने शुरू कर दिया है, और बहुत जल्द हमारे द्वारा रचित स्वरचित गाने आप लोगों को देखने को मिलेगा, स्टार्टिंग आँख मिचौली से कर। अंजलि जी आप इस रिएक्शन पे क्या कहेंगे? सॉरी मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी, वो उनका मैटर है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो दिनेश सॉरी मैं, मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता भी नहीं है, अभी मैं सुन रही हूँ, तो मैं जब तक पूरी बात ना जान लूँ उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगी। ठीक है, अब जानने के बाद बताइएगा मैडम। ओके, धन्यवाद। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।